खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि शेरपा पुल पर इंतशार अंगेज तकरीर करने का मुकदमा इंसदाद दर्शित कर दिया। अदालत ने यासमीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसान अहमद से। जी एहसान अहमद, बताइएगा। एहसान अहमद से रब्ता मुनक़िता हो गया, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि शेरपा पुल पर इंतशार अंगेज तकरीर करने का मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने यासमीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। ATC में शेरपा पुल पर इंतशार अंगेज तकरीर का यह मुकदमा है। यासमीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबहर गुल ने समाअत की है। थाना सर्वर रोड पर इंतशार अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज है। इसी पर बात करेंगे। एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद है। एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर यासमीन राशिद के मुकदमे में 24 उनकी जो ट्रायल है उसमें 26 अक्टूबर तक की जो है तौसी कर दी है। लाहौर की इंसदाद की खसूसी अदालत ने डॉक्टर यासमीन राशिद के केस की समाअत, इंसदाद दहशतगर्दी की जज अबर गुल खान ने केस की समाअत की। जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर डॉक्टर जेल हुकाम की जानिब से अदालत के रूबरू पेश किया गया था। डॉक्टर यासमीन राशिद पर थाना रोड में एक मुकदमा दर्ज है इश्तियाल लेंगे तकरीर का, जिसमें केस की समाअत हुई और अदालत ने जो है वो केस की समाअत जो है वो 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान अहमद तफसीलात का।